माय गॉड, ये तो मर गई। कोई सीआईडी को बुलाओ। मैंने ये तो नहीं चाहता। सर, शरीर पर कोई और घाव या चोट का निशान नहीं है। सर, ये यहां से कूदी है कि किसी ने उसे धक्का दिया? पंकज, फर्स्ट रैंक आने के बाद कोई अपनी जान क्यों लेगा? यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कोई और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। सर, हाँ, कुछ पता चला? ये सुधीर, जब विधि यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे बैग लेने आई थी, तब ये यहाँ पे साफ सफाई कर रहा था। ओ, सुधीर जी, आप प्लीज याद करके बताइए, जब विधि यहाँ आई थी तो उसके साथ कोई था? आई मीन उसके आसपास? जी नहीं साहब। ये देखिए, की चेन। आई सी। ये की चेन किसका है? पता नहीं साहब, लेकिन जब मैं कॉरिडोर की साफ सफाई कर रहा था, तब तो मुझे ये यहाँ पे नहीं दिखा था। इसका मतलब साफ है कि विधि के पीछे यहाँ कोई जरूर आया था। मैं नहीं जानती कि ये वहां कैसे गिर गया। पर लगे थे इसकी चेन को, जो तुम्हारे हाथ में से हो जाकर दूसरे मंजिल पर गई। रिजल्ट के बाद विधि अपना सामान लेने के लिए दूसरे मंजिल पर गई, तब तुमने उसका पीछा किया था और वहीं से उसे धक्का मार दिया। नहीं, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं मानती हूँ कि मैं दूसरी मंजिल गई थी, लेकिन उसे धक्का मारने के लिए नहीं, उसे ये कहने के लिए कि इतना घमंडी होना ठीक नहीं है। ओ, तो विधि की बातें तुम्हें बुरी लगी थी और इसीलिए तुम चेतावनी देने ऊपर गई थी, क्यों? तुम दोनों में बहस हुई और तुमने उसे धक्का मार दिया। नहीं, हमारी बात ही नहीं हो पाई। मैं विधि के पीछे क्लासरूम जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे मिलती, मुझे विधि की चीख सुनाई दी और जब मैंने वहां जाकर देखा तो विधि जमीन पर गिरी हुई थी। शायद तभी ये किचन वहां गिर गया होगा। तुम्हारे कॉलेज के स्वीपर ने तुम्हें वहीं से भागते हुए देखा था जहां से विधि नीचे गिरी थी। अविश्रा मैडम, ये मासूम बनने का नाटक छोड़ दो, समझी? विधि की लाश देखने के बाद आपके चेहरे पे जरा सा भी दुख नहीं था, बल्कि आपने तो ये कहा कि मैंने ये नहीं चाहा था। ये दोनों बातें कुछ मेल नहीं खाती हैं। आप समझाने की कोशिश करेंगे प्लीज? क्योंकि
क्योंकि विधि की मौत के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती थी। खुद को दोषी मान रही हो तुम विधि की मौत के लिए? क्यों, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। दरअसल सर, मैं कॉलेज में फर्स्ट आने के लिए मैंने एक खास जगह जाकर विश मांगी थी और मुझे लगा कि उसी की वजह से विधि की जान चली गई। तो जरा हमें भी बताओ, ये कौन सी जगह है जहां पर तुम विश मांगने गई थी? ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली में, बलदेव भवन। तो जरा हमें भी बताओ, ये कौन सी जगह है जहां पर तुम विश मांगने गई थी? ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली में, बलदेव भवन। ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली जिसमें उनकी पत्नी चंदा की आत्मा भटकती रहती है। चुप रहो, ये सब किसे कहानियों में होते, समझे? अब तुम अभिष्टा इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? लेकिन सर, मेरी विश तो पूरी हो गई ना। ठाकुर की पत्नी चंदा ने मेरी विश पूरी कर दी। हाँ, मैं फर्स्ट नहीं आई, लेकिन विधि की जान लेकर उसने मुझे कॉलेज में फर्स्ट कर दिया। वाह रे वाह, इच्छा पूर्ति करने वाली आत्मा, ठाकुर बलदेव की पत्नी चंदा की आत्मा। तो चलो हम भी चलकर मिलते हैं चंदा की आत्मा से। बता देगी ये आत्मा अभिष्टा कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली, बलदेव भवन। तो अभिषा, तुम कल रात यहाँ पर आई थी? जी सर। और दुआ मांगने के लिए कहाँ गई थी तुम? वो हवेली के अंदर सीढ़ियों के ऊपर गई थी। देखो, यहाँ पर आई थी कल रात को? अरे लकड़ियां ठोककर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है ये दरवाजा। पर कल रात को ये ऐसे बंद नहीं था। अभिष्टा, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुम इसी दरवाजे के अंदर गई थी? हाँ सर, मैं कल रात को यही आई थी और इसी दरवाजे के अंदर गई थी, कल ये बंद नहीं था। एक रात के अंदर ये दरवाजा बंद कर दिया गया? इसे देख के तो लगता है कि बहुत पहले से ही ये दरवाजा बंद कर दिया गया। कैसे हो सकता है, मैं कल रात को यहाँ आई थी और इसी दरवाजे के अंदर गई थी। मयूर सर, जरा खोल दो ये दरवाजा, हटाओ ये सब लकड़ियां। यस सर। सर ये देखिए सर, वहां ये काला कपड़ा मिला है। सर ये मेरा है, कल रात को इसी पट्टी को मैं अपने आंखों में बांधकर हवेली के अंदर गई थी। आंखों पे ये काला पट्टी बांध के अंदर क्यों गई और बिना देखे तुम चल कैसे रही थी? सर वो कहा गया था कि अगर विश पूरी करनी है तो आंखों में पट्टी बांध के अंदर जाना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, अब बता यहाँ क्या हुआ था कल रात को। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात,
आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ से बाएं मुड़ना है और फिर आगे चलने के बाद सीढ़ियाँ हैं। यहाँ आगे सीढ़ियाँ हैं? जी। तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह 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 सीढ़ी तुम रास्ता तो नहीं भटक गई? नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सही जगह पर हूँ, मैं कोई रास्ता नहीं भटकी हूँ। यहाँ इसी जगह सीढ़ी थी और मैं सीढ़ियों के ऊपर गई थी। और सर, वहाँ पर बहुत बड़ा झूमर था, स्केलेटन का बना हुआ, और वो मेरे ऊपर गिरा। अच्छा, पर ये झूमर तो अभी सीलिंग पे लटका हुआ है। सर, लेकिन वो सीढ़ियों के ऊपर भी एक झूमर था, मेरे ऊपर गिरा, वो तो मैं पीछे हट गई वरना मैं मर जाती। और यहाँ पर ना ठाकुर बलदेव और उनकी पत्नी चंदा की पेंटिंग भी है। अभिषेक, वहाँ कोई पेंटिंग नहीं है। यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ सीढ़ी थी और मैं ऊपर गई थी और वहाँ मैंने विश मांगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज यकीन कीजिए। देख, एक रात के अंदर इस हवेली का दरवाजा बंद होता है, एक रात के अंदर इस हवेली के अंदर की सीढ़ी गायब हो जाती है। अभिष्टा, तुम्हारी कहानी अच्छी है पर उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अपूर्वी सर, ये तो शहर से बाहर निकलने वाली एफटी रोड पर जा रही है। एफटी रोड? उस तरफ तो जंगल है। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जा कहाँ रही है? ठीक है, देखो मगर ध्यान से, थोड़ा होशियार रहना।
पूर्वी? सर वो जंगल के अंदर घुस गई है, मैं उसका पीछा करती हूँ। ठीक है तुम भी जाओ, लेकिन थोड़ा संभाल के होशियारी से हैं। तो अभिष्ठा के पिताजी हैं। कौन है ये? तुम्हारे पापा है? जी। ये तो मर चुके हैं। अभिष्ठा, अभिष्ठा, सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तुम जितना बता सकती हो बताना, बस ज्यादा टेंशन मत लेना। जी। क्या आप पहले से जानती थी कि आपके पिता पिछले 2 साल से जंगल के उस केबिन में छिपे हुए? नहीं, इनफैक्ट 2 साल से मैं अपने पिताजी की तलाश भी नहीं कर रही थी। तो फिर तुम्हें उनके ठिकाने का कैसे पता चला? मुझे कुछ याद नहीं कि
कि मैं वहां कैसे पहुंची। याद करने की कोशिश करिए, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि तुम वहां उस केबिन तक पहुंच गई। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों अचानक मुझे वो जंगल और उस केबिन के फ्लैशेस दिखाई देने लगे। फ्लैशेस? इसका मतलब वो जगह आपने जंगल में पहले भी कभी देखी होगी? पता नहीं। इंस्पेक्टर पूर्वी बता रही थी कि जंगल में कोई और भी तुम्हारा पीछा कर रहा था, जो तुम्हारे जरिए तुम्हारे पिताजी तक पहुंचना चाहता था। बता सकती है वो कौन हो सकता है? मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं उस कैबिन में गई थी, वहां मुझे अपने पापा की चीखने की आवाज सुनाई थी, और जब मैं वहां देखने गई तो किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया। मैं बस इतना जानती और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। सर, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इन्हें आराम कर दीजिए। तो मोबाइल यहीं पर है सर, अभिष्ट का मोबाइल यहीं पर है सर। मोबाइल दूसरी हवेली? एक जैसी दो दो हवेलियां, ये कैसे हो सकता है सर? कहीं ये भूल भुलैया तो नहीं है? देखते हैं। थैंक यू सो मच सर। बताओ अभिष्ट, तुम यहां वापस क्यों आई? सर, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, नेत्रावती मुझसे मिलने आई थी। अभिष्टा, नेत्रावती तुम? आराम से। अभिष्टा, ये सब कैसे हो गया? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये सब हुआ कैसे? मुझे याद नहीं है। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। पर नेत्रावती, तू ना कहीं मत जाना, हाँ? यही रुकना, मुझे तेरे से ढेर सारी बातें करनी है, हाँ? ठीक है। पक्का कहीं मत जाना, प्लीज। मैं अब भी जाके आए, हाँ? रुकना यहीं पे। हाँ। हेलो। हाँ, घबराओ मत, हमारा प्लान कामयाब हो गया। उसे कुछ याद नहीं है। हाँ हाँ, बस यहाँ से निकल के मैं वहीं जा रही हूँ, ठाकुर बलदेव की दूसरी हवेली ना, जिसमें सीढ़ियाँ हैं। गिरवा दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, जाती हूँ। अभिष्टा? हाँ? मैं ना निकल रही हूँ, कुछ जरूरी काम है। ओके बाय। बाय। दूसरी हवेली? ये दूसरी हवेली का क्या मतलब है? पता लगाना होगा। यहाँ से जाओ कैसे? कौन करवा रहा है तुमसे ये सब? नहीं बताएगी? नहीं बताएगी?
नेत्रा तुम्हें पता है ना हमारी थोड़ी देर में फ्लाइट है, हमें हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाना है, और तुमने ये हवेली जलाई क्यों नहीं अभी तक? माँ एक प्रॉब्लम है। इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए तुम। आखिर क्या हो गया? वो अभिष्टा मेरे पीछे यहाँ पहुंची है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसे भी जला देना था इस हवेली के साथ। वाह सोनिका जी वाह, कितने ऊंचे ख्याल है आप, हैं? शर्मानी चाहिए। एक डॉक्टर होकर अपनी पेशेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। सीआईडी तुम। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने साइकेट्रिस्ट का काम सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि अभिष्टा की याददाश्त वापस आ जाए और उससे मैं जरूरी जानकारी हासिल कर सकूं। और इसलिए अभिष्टा की याददाश्त वापस लाने के लिए तुमने यह सोचने पर उसे मजबूर किया कि विधि का खून उसी ने किया है ना? हाँ, अभिष्टा अपनी याददाश्त का एक हिस्सा खो चुकी थी एक्सीडेंट में, और उसे वापस लाने के लिए मुझे उसे मौत का खौफनाक अनुभव कराना बहुत जरूरी था। और ये सब पूरा करने के लिए तुमने वो मन्नत पूरा होने वाला खेल रचा और विधि को मार दिया। अभिष्टा के पिता कहाँ रहते हैं उसका पता लगाकर उसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति भूष जो कि उनके साथ रिसर्च का काम करते थे, उनकी जान लेकर उनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर कहीं छिप गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। तुम अभिषा के पिता से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसकी याददाश्त वापस लाकर उनका पता जानना चाहती थी, है ना? हाँ, हमने बदला ले लिया। डॉक्टर सोनिका, अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए तुम दोनों माँ बेटियों ने एक मासूम विधि की जान ले ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा। क्या हुआ सर? सर मेरी मदद कीजिए प्लीज। सर हेल्प कीजिए सर। एक मिनट बताइए क्या हुआ, क्या हुआ आपको? बताइए सर प्लीज, मेरी मदद कीजिए सर। हाँ हाँ मैं मदद करूंगा, लेकिन तुम बताओ तो क्या हुआ तुम्हें? सर अपना फोन दीजिए सर प्लीज। फोन क्यों सर? पुलिस को फोन करना है सर, पुलिस को फोन करना है। पुलिस को क्यों फोन करना चाहते हो, क्या हुआ है तुम्हें बताओ? सर ये बताने का टाइम नहीं है सर, प्लीज अपना फोन दीजिए। देखो घबराओ मत, मैं खुद सीआईडी से हूँ, अभी सीआईडी को बुलाता हूँ। अरे अरे भाग क्यों रहा है? ये सीआईडी का नाम सुनकर के भाग क्यों गया? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। अभिजीत फौरन हाईवे पे पहुंचो। हाँ फौरन, देखता हूँ। क्या बोला सलम के सामने? फोन करके बोला इस रोड पे आ जाओ, उसके बाद फोन कट गया। काफी परेशान लग रहे थे। इस समय सारों के साहब के फोन के लोकेशन कहाँ पे है? तो सारों के सर का फोन आगे से लेफ्ट में। लेफ्ट सर, सालों के साहब का मोबाइल ये लोकेशन बता रहा है सर। सालों के साहब, सालों के सर, सालों के साहब अंदर चल के देखते हैं। सालों के सर, डॉक्टर साहब, सालों के साहब, सालों के सर, सालों के सर, सालों के सर, सर तो मर चुका है। ये सीने पे गोली मारी है सर। कपड़े देखकर लगता है जैसे किसी फंक्शन में जा रहा था। सर जेब में कोई आईडिया पर्स वगैरह नहीं है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस बुला। पर सारुंके साहब का फोन तो यहीं पे बज रहा था ना।
तुम लोग देखो जरा। सर 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 सर, सालुके सर का फोन। फोन नहीं आया इसका मतलब सालुके साहब यहीं कहीं होने चाहिए। सर डॉक्टर साहब। सर सालुके सर। डॉक्टर साहब। सर सर नो, ओह माय गॉड, जल्दी आओ, संभल के, ट्रेन लेके आओ जल्दी। संभल के। लग गया सर। रुको रुको ओह नो जिंदा है सर। निकल तारिका को बोलो स्टीम और हीटर वगैरह सब तैयार करें जल्दी। बाहर निकलो। उनके साथ सर जल्दी जल्दी सर उनके साथ सर सर उनके साथ आप जिंदा हैं। आई एम सॉरी मतलब आप ठीक हैं सर। मैं जिंदा हूँ मैं जिंदा हूँ। अगर अगर थोड़ी थोड़ी देर और कर देते तो निकल जाता मैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने घसीट के मुझे बर्फ में डाल दिया। मैं तो ढूंढने के लिए निकला था और तभी मेरी आंखों में एक गैस का बबू का आया। मेरी आंखें। माय गॉड सर अभी ठीक है आपकी आंखें? सर ये 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 कितनी उंगलियां सर? हैं मजाक मत करो यार हाथ कहाँ है तुम्हारा? सर ये आपके आंखों के ऊपर सर ये कितनी उंगलियां सर? यार तुम्हारी आवाज सुनाई आ रही है लेकिन अभिजीत हाथ तो दिखाई नहीं दे रहा यार। मैं कहाँ हूँ अभिजीत? सर आप अपनी लैब में हैं सर। सर मैं तारिका सर तारिका सर समय पूरी। यार तुम लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माय गॉड अभिजीत। हाँ सर। हाँ मैं जहाँ पड़ा हुआ था वहां मेरे आसपास कोई लाश दिखाई दी तुम्हें? हाँ सर वो लाश यही है सर एक एक लड़के की है। अच्छा उसने काली पैंट और ग्रे कलर की कमीज पहनी है। हाँ वो हाँ सर है वही आदमी है वही है। लेकिन सर वो वहां पे हुआ क्या था सर?
आदमी मुझसे मदद मांग रहा था और मुझसे ही छुप रहा है। देखना पड़ेगा। एक औरत के जूतों की आवाज सुनी। औरत के जूते की आवाज? फिर? और तभी मैंने एक गोली के चलने की आवाज सुनी और फिर किसी आदमी के चीखने की आवाज आई। मैं जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो तुम किसी को मार रहे हो? तभी पता नहीं कहीं से दो आदमी आए और मुझे बर्फ में घसीट के ले गए। तभी मैंने एक गाड़ी के चलने की आवाज सुनी और उसमें कोई कह रहा था कि हाईवे की तरफ ले चलो। सर वो कार के बारे में कुछ पता है सर आपको? अभिजीत, मैं जब इस फैक्ट्री में गया तो वहां दरवाजे पर मैंने नीले रंग की कार देखी थी। नीले रंग की कार? निखिल, विक्रम, नीली कार हाईवे की तरफ गई है। सभी चेक नाका को इन्फॉर्म करो जल्दी। सचिन, हमें पता लगाना होगा ये आदमी कौन है, क्या कर रहा था वहां, कैसे पहुंचा। कारिका, ध्यान रखो, हम लोग आते हैं। सर, सर मैं आपके लिए एंटीडोट तैयार कर रही हूँ, आपकी आंखें बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। हेलो, सीआईडी को मेरे बारे में पता चल गया है। हाँ, ठीक है, मैं डॉक्टर सालुंके को किसी भी तरह से इस फैक्ट्री में बुलाता हूँ। मैं मेरे लोगों ने तुम्हें बर्फ में डाला, फिर भी तुम जिंदा बच गए। लगता है तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। अब तो सीधा गोली मारूंगी तुम्हें। तेरा ठिकाना अब जेल में। क्यों मारा तुमने कपिल और नेहा को? नफरत करती थी मैं नेहा से और कपिल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस नेहा की वजह से कपिल ने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए तुमने उन दोनों को मारने का फैसला कर लिया? हाँ, मैंने नेहा को उसकी ड्रेस ट्राई करने के लिए अपने बुटीक में बुलवाया। को मरवाने के लिए मैंने सेजू के साथ प्लान बनाया। सेजू ने उसके पीठ पर गोली चलाई, कपिल बच गया, इसलिए मुझे यहाँ खुद फैक्ट्री में आके कपिल को मारना पड़ा।
I love you, Kapil. I'm sorry. I'm sorry. तुमने पोपट के हाथ में बिल के बदले चिट्ठी कैसे बदली? मैंने मेरे आदमी से कहा कि वो पोपट की गाड़ी से जानबूझ के जाके टकराए और मेरे हाथों लिखी हुई चिट्ठी बाहर रख दे और बिल को गायब कर दे। तुमने सोचा सारा शक कपिल और नेहा की फैमिली पे जाएगा, पर सच्चाई कभी छुपती नहीं है शीना। दो दो खून किए तुमने, एक सीआईडी ऑफिसर को मारने की कोशिश की है, इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें, शायद फांसी। शादी की बारात में दूल्हे की मौत है, कैसे हुआ ये सब है? तुम लोग थे ना यहाँ पर? सर सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, लोग नाच गा रहे थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया और किशोर गिर पड़ा। देख रहे हो ना, आंखों के नीचे सब पीला हुआ है। हाँ सर, जहर का मामला लगता है शायद। वही हो सकता है, सड़न के बताएगा कैसा जहर है ये। क्या आप लोगों को किसी पर शक है, किसने किया होगा ये? तो ये सब सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, सिर्फ एक ही आदमी। कौन? मेरे पिता। क्या? मिस्टर प्रदीश कुमार, सिर्फ वही कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पिता इस शादी के खिलाफ हैं? वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, क्योंकि ये उनकी तरह अमीर नहीं था ना। उन्होंने तो हमें धमकी भी दी थी कि अगर हम लोग उनके खिलाफ जाकर शादी करेंगे तो वो इसे मार देंगे। देखो, तुम्हारे पिता आए हैं शादी में? वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्होंने जरूर किसी को भेजा है मेरे किशोर को मारने के लिए, जरूर किसी को पैसे दिए। मुझे मुझे मैं ना प्रवीण कोबला, वो पापा का बहुत अच्छा दोस्त है, उसी ने मारा मेरे किशोर को, उसी ने मारा है। सर, किशोर की जान को खतरा था और अदिति मैडम ने इनको सुरक्षा दिलवाई थी और पिछले 5 दिनों से हम इनकी सुरक्षा कर रहे थे, और उसके बावजूद ये सब हो गया। सर पता नहीं कैसे हो गया ये सब, हमने तो किसी को इनके आसपास भटकने तक नहीं दिया। हाँ, फिर भी लाश तो पड़ी है ना यहाँ पर। किसी को भटकने नहीं दिया? सर इनमें से किसी ने मारा है मेरे किशोर को, इनमें से कोई मेरे पापा के साथ मिला हुआ है, इन्होंने मारा है। कैसी बदकिस्मत लड़की हूँ मैं, ये उसके खुद के बाप ने उसे शादी के दिन विधवा कर दिया। अदिति चलो अंदर चलो। चलो। किशोर की जान को खतरा था है ना, तो क्या उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखा था? हाँ सर, एक सेफ हाउस में रखा था हमने। तो वहाँ पे आप लोग यानी सिक्योरिटी थी किशोर के साथ? जी सर, हमने इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कहाँ पर रखा था किशोर को? घर का कोना कोना छान मारो। सर हाँ, तुम कौन हो? सर ये घर की देखभाल के लिए। तुम्हारे टीम का आदमी है ये? हाँ सर, ये हमारी टीम का आदमी है। अच्छा सर। हाँ सर, वो देखिए सीसीटीवी कैमरा, कोई भी अजनबी घर के अंदर नहीं घुस सकता। हाँ मगर कोई तो आता होगा घर में किशोर से मिलने, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार? नहीं सर, सिवाय अदिति जी के और कोई भी नहीं। अच्छा, खाने का डब्बा कौन लेकर आता था? सर किशोर का खाना अदिति ही लेकर आती थी और चाय वगैरह वो खुद बना लेते थे। मतलब सिर्फ अदिति ही आती थी इस घर में? सर अंदर चेक कर लिया, इस घर में जबरदस्ती या चोरी छिपे घुसने का कोई सबूत कोई निशान नहीं मिला है। सर आपको कुछ पता चला कि निशान का खून किसने किया है? हाँ पता चल गया, और वो मुझे यही है इस कमरे में हमारे बीच। क्या यहाँ पे कौन है वो? मुझे मैं अपने आप को बहुत होशियार समझता है, वो ये भूल गया कि सीआईडी के सामने अच्छे अच्छों की होशियारी खुश हो जाती है। निशांत की मौत की वजह है वो दौलत जो निशांत और दीपक ने मिलकर चुराई थी। तो क्या दीपक ने निशांत को मारा है? निशांत को एक ऐसे चालाक दिमाग ने मारा है जिसे लगता है कि उसका भोला चेहरा उसे बचा लेगा, और शातिर दिमाग
तुम हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी का खून नहीं किया है। झूठ मत बोलो। अब ये भी जानते हैं कि तुमने वो जहर कहां से चुराया। अपना ड्रामा बंद कीजिए सूजी जी। जहां निशांत मारा गया हमें वहां से आपके बाल मिले। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं निर्दोष हूँ। दिव्या, गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ये सजा कानून नहीं, इसे एक पत्नी देगी। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। दिव्या, इसे सजा अदालत ही देगा। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीआईडी और फॉरेंसिक साइंस के सामने कोई मुजरिम छुप नहीं सकता। हमारे पास फॉरेंसिक लैब में वो डीएनए सैंपल है। कल उस डीएनए सैंपल के टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि वो मुजरिम सूजी ही है। लैब ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? राइट, भागने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगा ये बच्चों का खेल है? हमें पहले से ही पता था कि सबूत चुराने के लिए तुम जरूर आओगे। और आ गए। लेकिन एक बात तुम्हें पता नहीं कि सबूत कोई था ही नहीं। वो दिखाई हो जाए सर इनके नेकी और पूछ। उससे प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी, वो मिला भी था मुझे घर के बाहर। शीतल, शीतल तुम? छोड़ दो मुझे, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। बेवकूफी मत करो, गन नीचे रखो। सीआईडी को मारना तेरे बस की बात नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया मेरी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए किया। निशांत, निशांत को क्यों मारा? क्या तुम्हारी बेटी की मौत में निशांत का हाथ था? हाँ, उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। 2 साल पहले वो ओवरडोज से उसकी मौत हो गई थी। मुझे वही ड्रग्स निशांत के घर से मिली। तो तुम अच्छी तरह से समझ गई थी कि तुम्हारी बेटी को ड्रग्स की लत में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि निशांत है। हाँ, आज वो अगर जिंदा होती ना तो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की होती, उसकी भी शादी हो रही होती, जिंदगी में कुछ करके वो भी कुछ बन रही होती। निशांत ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, सब बर्बाद कर दिया निशांत ने, सब बर्बाद कर दिया। फिर मैंने सोच लिया कि मैं निशांत को मार डालूंगी, और मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइजन देना शुरू कर दिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये स्लो पॉइजन इतनी आसानी से शरीर में मिलता नहीं है। ये जहर पाया कैसे तुमने? कहाँ से चुराया? मैंने उस लेबोरेटरी के असिस्टेंट से पहले दोस्ती कर ली, उसके बाद पैसों का लालच देकर खरीद लिया। बहुत गलत किया तुमने शीतल। तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, हमें अफसोस है उस बात का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में लो। हमारी मदद ले सकती थी तुम। तुम्हारे ऐसे करने से 2 मासूम लोगों की जानें चली गई। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।